नमस्कार, न्यूज़ क्लिक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम गया डिस्ट्रिक्ट में हैं और हम कॉटेज इंडस्ट्री के हाल को देखने के लिए निकले हुए हैं। हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी, गया ही डिस्ट्रिक्ट में पटुआ टोली एक जगह है, वहाँ लूम एज कॉटेज इंडस्ट्री बहुत बड़ी संख्या में, उस पूरे इलाके के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। आज हम आपके लिए दूसरी कॉटेज इंडस्ट्री का क्या हाल है यहाँ पर उसको बताते हैं। हम अभी गया बौध गया रोड पर, ये हिंदुस्तान फ्रैग्रेंस एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है जो कि अगरबत्ती बनाती है, गुच्छा बनाना होता है। अगरबत्ती बांधना है आधा आधा किलो का कोला, आधा आधा किलो का ये गुच्छा बनाना होता है। इसको कार्टून में 20 किलो भरना है। 20 किलो एक कार्टून में भरने का कितना पैसा मिलेगा? एक कार्टून नहीं, डेली मतलब 300-250 का काम होता है। डेली 250-300 का काम करने पर है। अच्छा, जितना तेजी कर लीजिएगा उतना है। जितना अच्छा बत्ती निकलता है अच्छा काम होता है, रद्दी बत्ती निकलता है थोड़ा कम होता है। क्या इसका रेट क्या होता है, कैसे मिलता है पैसा? 45 के बोले से, मतलब 45 एक बोरा पर 45 रुपये। एक बोरा पैक कीजिएगा तो 45? जी सर। अच्छा, एक बोरा में कितना वैसा गुच्छा होता है? 40 किलो। 40 किलो जी सर। और ये एक गुच्छा कितने किलो का होता है? ये जो है सहजे सर, ये आधा किलो होगा, बगैर अंदाज के है। अच्छा, आधा किलो के आसपास होता है। वैसा ऐसा आपको 80 गुच्छा बनाना होता है, तो एक बोरा हो गया। क्या नाम है आपका? खुशनसीबा खातून। तो ये कर क्या रही हैं आप? ये तेल है जलाने के लिए, जो इससे लगाते तो जल जाता तो बत्ती ठीक है, नहीं जलता तो समझिए बत्ती खराब। हरिओम कुमार। हरिओम जी, क्या कर रहे हैं ये? अगरबत्ती का वार्निंग कर रहे हैं। हाँ, अगरबत्ती का वार्निंग कर रहे हैं। अच्छा, जला के चेक कर रहे हैं कि तेल डुबाने के में डुबाने के बाद अगर ये जल गया तो बत्ती ठीक है, ठीक बना हुआ है, और नहीं तो खराब है। लॉकडाउन के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे खर्च चला लॉकडाउन में? कितना महीने का खर्च है आपके फैमिली का? कितना खर्च है? कम से कम 15,500 रुपया डेली। हम लोग के तो खेती बाड़ी है नहीं, डेली कमाना है, डेली खाना है, तो दाल भात तरकारी सब्जी अच्छा से खाइएगा तो 500 रुपया तो खर्चा ही खर्चा। अच्छा, अगर उसमें मीट मछली खाइएगा तो 200 रुपया और बढ़ गया, 600-700 रुपया डेली। तो ये लॉकडाउन में कैसे ये खर्च निकला? कैसे खर्च निकला? मांग चांग के खर्च निकले, कुछ मदद से निकला, कुछ दो पैसा रखे हुए थे उसमें से खर्चा निकला। जब बड़ा बड़ा आदमी कुछ चावल दाल बाटा, महल्ले का आदमी आसपास का आदमी उसी से चला, दो पैसा काट के रखे वो भी मिला जुला खा लिए, जो बचा के रखे सब खर्च हो गया। तो क्या होगा, लॉकडाउन में भूखे मरते हैं? कोई देखने वाला तो था नहीं, कोई आने वाला तो था नहीं, कोई देने वाला तो था नहीं। यहाँ कोई देगा 500 रुपया, मोदी दिया तो 500 रुपया में क्या होगा, एक दिन का खर्चा भी ना हुआ। आपकी उम्र अभी काम करने की लग नहीं रही, अभी आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, क्या मजबूरी हुई कि आपको ये काम करना पड़ रहा है? घर में कुछ प्रॉब्लम के कारण काम करना पड़ा। क्या प्रॉब्लम बताइए? घर में जैसे अब्बू के मेरे बहुत तबीयत खराब रहते हैं, इसलिए ऐसे घर में कोई काम, मेरा भाई एक छोटा भाई है वो कुछ करता नहीं है और वो भी पढ़ रहा है, और मेरे अब्बू हैं उनका तबीयत खराब रहता है, तो घर को प्रॉब्लम की वजह से काम करना। इसलिए आपको काम करना है। तो कितना कमा लेती हैं पर डे, कितना आप बना लेती हैं? अगरबत्ती हम जितना मसी चलने पर कभी 100 ऐसे 70 किलो 60 किलो ऐसे से बना लें। 70 से 100 किलो? हाँ, ज़्यादा भी बना लेती है। हाँ, मशीन चलता तो बना लेते हैं। मशीन चलता रहेगा तो बना, मतलब मशीन में कोई ख़राबी नहीं हुई, बिजली ठीक रही तो ज़्यादा भी बना लेते। तो ऑन एन एवरेज एक मोटा मोटी महीने का कितना कमाई आपका हो जाता है? 8,000। हाँ, 8,000। 8,000 हो जाता। आज के डेट में बिहार में अनपढ़ लोग भी बहुत ज़्यादा, पढ़े लिखे भी अनपढ़ से भी बेकार हो चुके हैं, वो भी पढ़े लिखे डिग्री छिपा के काम कर रहे हैं। अच्छा जी, रोजगार है कहाँ बिहार में? बोली बोली और बस लगे हुए हैं, जिधर से 2 पैसा हो जाए, पेट चल जाए, परिवार को पाल लें, वही काफ़ी है। ऐसे कितने लोगों में डिग्री छुपा के काम कर रहे हैं? लगभग तो कम से कम बिहार में 10-20 हज़ार सौ जरूर होंगे। नहीं नहीं, आप किस इंडस्ट्री में? इस इंडस्ट्री में 8-10 आदमी हैं। अच्छा, जो लेबर के भी काम करते हैं। जीएसटी के आने से पहले हम लोग को जीएसटी सेल टैक्स में हम लोग का पहले जो था
बिहार का सेंट्रल से हम लोग का जो भी था पहले हम लोग का माफ़ था, पूजा सामग्री में जितनी भी थी उस पर टैक्स नहीं था, अगरबत्ती आपका धूप बत्ती जो भी है इस तरह से पूजा सामग्री जितनी भी चीज़ें GST में इसको 5% शामिल किया गया, मगर इसको अगरबत्ती को भी छूट दे देना चाहिए था, नहीं रखना चाहिए था। लेकिन आपको लगता नहीं कि GST से आपको नुकसान नहीं है? आप रॉ मटेरियल GST पे करके लाते हैं, ठीक है, आपने प्रोडक्शन किया, जब आप अपने प्रोड्यूस को मार्केट में बेचते हैं तो उससे तो आप GST ले ही लेते हैं, तो आप ले लेते हैं। मेरे साथ क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग करता था ITC का, मंगलदीप ब्रांड आती है, मेरी जितनी भी परचेजिंग थी हम लोग का परफ्यूम 18% पे, डब्बा 12% पे, इसी तरह से परचेजिंग में GST हम लोग को गवर्नमेंट से लेना पड़ता था, 5 अगरबत्ती में से जो सेल है वो 5% है, तो हमारे क्या होता था कि हर महीने मेरा 5 से 6 लाख रुपए स्टॉक हो जाते थे। फिर से आप इसको समझाइए, आप जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं उस पे आप ज्यादा GST पे करते हैं? ज्यादा GST पे करते हैं। जब आप फाइनल प्रोडक्ट बेचते हैं 5%, तो उस पे 5% तो ये जो डिफरेंस आ गया ये गवर्नमेंट के पास मेरा जमा होता है GST डिपार्टमेंट में। इसको समझिए, जब स्टार्टिंग GST आई तो यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट के पास ये सिस्टम नहीं था, बेंगलोर वगैरह में सारे लोग को रिटर्न मिला, जो भी ये सिस्टम था सबको वापस मिला, यहाँ पर भी बोला गया जो आपका पैसा एक्स्ट्रा निकलेगा वो आपको मिलेगा वापस। इस प्रोसेस को हमको समझिए कि करते करते 1 साल पक्का लगा, 1 साल में उसमें हमको 5% खर्चा करना पड़ा। आपका जो बैलेंस है जो जमा हुआ मेरा 1.5 करोड़ रुपए जमा हो गया था GST में, उसको निकालने के लिए हमको 5% इसको देना पड़ा, तब ये पैसा निकला है। तो फिर हमको फ़ायदा क्या है, फ़ायदा कहाँ पे है? अगर गवर्नमेंट का अगर पैसा आपके पास निकल रहा है तो वो आपको जमा करना है, अगर आपके पास गवर्नमेंट का जमा हो जाता है तो आपको उसको निकालने के लिए गवर्नमेंट को फिर तो वहाँ पर जितने इम्प्लॉय उसको खर्चा कीजिए आप, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ये मेरे साथ बीत चुका है, ये है सिस्टम। कितना डिपेंडेंस है लोगों का आपके इस अगरबत्ती के बिजनेस पे? कितने मतलब कितनी बड़ी तादाद इस पे डिपेंड करती है? मान लीजिए कि आपकी की अपनी आपके यहाँ जितने वर्कर हम लोग का गया का आसपास का क्षेत्र में हम लोग 10 लाख एम्प्लॉय इसमें शामिल थे, जब हैंडमेड अगरबत्ती चलती थी तो हम लोग 10 लाख प्लस महिला लोग इसमें थी, अभी मुश्किल से होगी बहुत होगा तो 20-30 हज़ार, उससे ज़्यादा नहीं है, अभी छोटा चल रहा है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, पिछले ही समझिए कि नवंबर दिसंबर में चालू हुआ था इम्पोर्ट पे, हाँ ये मशीन वाला, पहले ये वही बोले ना कि इम्पोर्ट बत्ती आ रही थी बाहर से वियतनाम से, इसने गवर्नमेंट ने बैन लगाया, बहुत अच्छा काम किया, ये पहले ही होना चाहिए था, ये काफ़ी लेट हुआ, बैन लगा तो ये इंडस्ट्री फिर से वापस आ गई इंडिया में, स्टार्टिंग बहुत बढ़िया रहा मगर ये लॉकडाउन में थोड़ा सा फंसा है मामला, और अभी रहेगा, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद समझिए कि अभी भी जितनी मशीन होनी चाहिए इंडिया में उतना नहीं बैठा है, अभी 25% ही बैठा है, अभी 75% और बैठना है। कितना कितना लगा?
क्या करती हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ सुपरवाइजरी करते हैं। सुपरवाइजर? क्या काम क्या है आपका? मेरा काम है, इसके पास काटी नहीं है, हमको काटी देना है। हाँ। काटी मंगवा के देना। मसाला नहीं है, मसाला हमको ला के देना है। हाँ। इनका कोई अगर दिक्कत है तो हमको इनको पूरा करना है। अच्छा। ये हमको काम है। लड़की ऊपर ध्यान देना है, कौन लड़की कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या ना कर रही है, ये सारा मेरे पर रिस्क है। पहला तो अगरबत्ती के लिए चारकोल, सॉफ्ट डस्ट आता है, बम्बू स्टिक आता है, प्लस मशीन, इस तीन चीज़ के मिक्सिंग करने के बाद अगरबत्ती तैयार किया जाता है। कैसे तैयार होता है, मैनुअली या मशीन से? मशीन से। देखिए सर, ये चारकोल है, इसको प्रीमिक्स मतलब बोलते हैं, तो चारकोल और रूट डस्ट दोनों को मिला देते हैं तो ये प्रीमिक्स हो जाता है। और ये जो है, इसको जॉस बोलते हैं, जिकेट बोलते हैं, इसका काम है लस बनाना, बत्ती को लस में पकड़ के रखना, ठीक है। और वुड, जैसे वुड डस्ट जो यूज़ करते हैं बत्ती को हल्का करने के लिए, वुड डस्ट यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। और चारकोल तो ब्लैक रखने के लिए, नॉर्मली नेचुरल जो होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। ये दोनों को मशीन में डाल करके हम लोग मिक्स करते हैं, ये एक दूसरे को मिक्स करने के, जैसे ये 8 किलो में 1 किलो जॉस यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मिक्स करने के बाद फिर उसका आधा से कम मात्रा में, मतलब 40% हम लोग पानी यूज़ करते हैं, पानी को मिक्स कर देते हैं तो मटेरियल ये तैयार हो जाता है सर, ये हमारा। अच्छा। ठीक है, ये हमारा पिरामिड इस तरह से तैयार हो गया। अच्छा, इस तरह से यानी वो दोनों को मिलाया, पानी हाँ, दिया, फुट हाँ, डस्ट दिया हाँ, उस मशीन में डाला हाँ, मशीन उसको मिक्स करने के बाद हाँ, ये डस्ट तैयार करता है। हाँ, डस्ट ये तैयार, ये मॉइस्ट है, ये हाँ, इसमें नमी है, नमी है मेरा। ये नमी जैसे बनता है प्रीमिक्स बनने के बाद मटेरियल के साथ, उसके बाद इस तरह हम लोग इसमें मसाला बाल्टी में डाल देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ चल रहे हैं, उसके बाद ये क्या ना, ये अगरबत्ती यहाँ स्टिक रख देते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ स्टिक डाल देते हैं, और ये क्या मसाला यहाँ से नॉर्मली मसाला पे यूज़ होता है। देखिए इस तरह से नॉर्मली यहाँ मसाला यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये देखिए नॉर्मली इधर मसाला फेंक रहा है, ठीक है ना। अच्छा। तो इसके बाद क्या ना, हम लोग ये स्टिक को यहाँ से यूज़ करते हैं। अच्छा। इस तरह से ये स्टिक को यूज़ करते हैं, ये बत्ती उधर बन के रेडी हो जाती है। ओके। रेडी होकर डायरेक्ट निकल जाती है यहाँ। अच्छा। ये देखिए ये चालू हो गया सर। ठीक। अगर बत्ती इस तरह से बंद करके आपका हाँ। ये देखिए सारे, ये इधर जितने देख रहे हैं बत्ती हाँ। ये सारी बत्ती इस तरह से बन के रेडी होगी, फिर यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग हैं नॉर्मली यहाँ पे एक हीटर लगा देते हैं हाँ। उसका हीट जितना हवा डाउन करता है पूरा गर्म हवा डालता है तो जल्दी सुखाता है। और हमारे लिए इसके लिए हम स्पेशल ये रूम को हम हीटर हीट ड्रायर बना रहे हैं रूम के स्पेशल। अच्छा। तो ये काम चालू नहीं हुआ, वो चालू हो जाएगा। तो 6 घंटे में जितना भी ठंड रहेगा 6 घंटा बहुत है, और ऐसे नॉर्मली ऐसा मौसम में लगभग आपका 4 से 5 घंटा बहुत टाइम ले, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, 4 से 5 घंटा में सुखा देगा। ये काम हो गया सर। उसके बाद बत्ती रेडी सर आपका। अच्छा। हमारे यहाँ से आप रॉ जैसे मटेरियल जो प्रीमिक्स हो गया, वुड डस्ट हो गया, चारकोल हो गया, गम हो गया, जैसे जॉस हो गया, बम्बू स्टिक, ये सारे चीज़ हम लोग ही देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 100 मशीन लगा रखा है, तो बहुत सारे हमारे कस्टमर ऐसे, बहुत हज़ारों हज़ार कस्टमर हमारे पास जो 2 मशीन 4 मशीन लगा के रखे हैं घर पे, अपने अपने घर पे। तो उनको क्या किया हमने, रॉ मटेरियल दे दिया, वो ले आकर वो बनाकर वो बत्ती लाकर हम ही देते हैं। अच्छा। बत्ती भी हम ही लेते हैं, मशीन भी, अगर उन्हें मशीन चाहिए तो मशीन भी हम लोग ही सेल करते हैं सर। अच्छा। हमारे पास मशीन भी है, मशीन भी देते हैं। अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहे तो हमारे पास सारा चीज़ मिल जाएगा, मशीन भी हम उन्हें दे देंगे, ठीक है। दूसरी बात है, वो मशीन के साथ रॉ मटेरियल भी हम दे देंगे, कैसे बताया बनाया जाता वो उसी ट्रेनिंग भी हम दे देंगे उनको। बस उनको क्या करना है, वो बनाना है, बनाकर बत्ती सुखा कर वापस हमें ला के दे देना है, ठीक है। तो वो बत्ती के जो जिस मतलब जैसा रेट रहेगा, कॉस्ट जैसा बत्ती, उस हिसाब से रेट मिल जाएगा उनको, उसमें उनका सारा बेनिफिट है, कंटिन्यू काम हमारे पास होता है। और बहुत शुक्रिया। तो आपने ये पूरी कहानी देखी कि कैसे एक अगरबत्ती तैयार होती है। ये जो अगरबत्ती की इंडस्ट्री है, ये बिहार में कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में है, लघु उद्योग में आती है। और इसमें जो एक सबसे अच्छी और रिमार्केबल चीज़ दिखी, ये पूरी इंडस्ट्री में प्रीडोमिनेंटली औरतें काम करती हैं, महिलाएं काम करती हैं। ये सारी वो महिलाएँ हैं जो ज़्यादातर जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन जिनकी बहुत अच्छी नहीं है। इसमें कुछ बच्चियां भी हैं जिनके घर में परेशानी इतनी ज़्यादा है कि घर में उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये एक अच्छाई ये है कि इसमें बड़ी तादाद में महिलाएं
काम करती हैं और जो अपने घर के खर्च हैं उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। तो एक और जो चीज़ सामने निकल के आई वो ये है कि लॉकडाउन ने हर और जो बात सामने निकल के आई वो ये है कि लॉकडाउन ने हर इंडस्ट्री की तरह इस इंडस्ट्री को भी बुरी तरह से इम्पैक्ट किया है। जो लोग यहाँ काम करते थे उनको घर में, चूँकि ये फैक्ट्री बंद हो गई, तो फैक्ट्री बंद हो गई, प्रोडक्शन बंद हो गया, तो इसमें जो काम करने वाले लोग थे उनको घर में बैठना पड़ा। बिना, चूँकि फैक्ट्री बंद है, प्रोडक्शन नहीं है, तो उनको सैलरी भी नहीं मिली, उनका काम भी नहीं हुआ, सैलरी भी नहीं मिली, तो बड़ी मुश्किल से ये जो लॉकडाउन का पीरियड है वो गुज़रा। तो इस तरह से जो ये एक स्टोरी हमने आपको पटुआ टोली से लूम इंडस्ट्री की दिखाया था कि किस तरह से पावर लूम इंडस्ट्री के क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो भी एक कॉटेज इंडस्ट्री थी। और दूसरी कॉटेज इंडस्ट्री ये अगरबत्ती की कॉटेज इंडस्ट्री है, जो जिसके लिए ये जो गया शहर है वो जाना जाता है। लेकिन हर इंडस्ट्री, हर छोटे लघु, हर लघु उद्योग की तरह इस इंडस्ट्री के भी अपने चैलेंजेस हैं। और बात करके यही पता चला ओनर्स से, वर्कर्स से, और जो लोग इस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं उनसे बात करके यही पता चला कि इनको किसी तरह की सरकार से कोई राहत नहीं मिल रही है। इसी तरह की चुनावी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ क्लिक।